Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. समस्त भक्त वृंद वैष्णव वृंद संत महात्मा एवं दूर दूर से आए भगवत रसिकगण एवं उपस्थित समस्त नगरवासी एवं उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण एवं उपस्थित समस्त मातृमंडली के चरण कमल में हमारे कोटि कोटि परम सौभाग्य आज हम लोग ऐसे पवित्र मास कार्तिक मास में हम लोग सतत तीन दिनों से इस रसमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हम लोग भगवान के नामों का एवं भगवान के चरणों का आश्रय करते हैं, जिससे हमारी चेतना पवित्र हो। Thank you.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hari bol, 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 Hari bol,
स्वादन आज हम लोग सतत तीन दिनों से कर रहे हैं और ऐसे पवित्र मास में हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। कार्तिक मास में ऐसे पवित्र मास में भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान के नामों का जप, भगवान के लीलाओं का गान, हम जैसे कलियुग के प्राणियों के लिए बड़ा ही फलदायी होता है। आज कथा के तृतीय दिवस में आए हुए समस्त श्रद्धालु, समस्त भक्त वैष्णव सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम लोग कल श्रवण किए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को, हम लोग महात्म्य में सुने कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके धुंधकारी जैसे पापियों का उद्धार हुआ और ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता जिसको स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने संकलित किया, जिसकी रचना की, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में हम लोग आज प्रवेश करेंगे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भव रोग
कि राम बाण औषधि बताई गई कलयुग में, कि इस भव सागर से यदि पार पाना है तो इस सुख मुख से निस्सृत अमृत का पान करना होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए कहीं नहीं बोला गया। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना है। प्रत्येक जगह बोला गया पान करने के लिए, बोला गया कथा को सुनना नहीं है, कथा का पान करना है, कथा को पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मूलहो रसिका भवे भव। बोलिए वो रस है ये सुनने से, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। जब तक आप इसको पान नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। कृष्ण भक्ति सुधा पाना देह दैहिक विस्मृति। भुला गया ये जो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के भाव, कृष्ण की लीला, कृष्ण के नामों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसको पान करने से देह दैहिक विस्मृति। हम इस शरीर के जो रोग हैं, शोक है, मोह है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो आज हम लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, और प्रथम स्कंद में वेदव्यास भगवान ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करके इस कथा का शुभारंभ किया। जन्मादश्यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मोहयन् तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा दामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम् परम् धीमहि धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मात् सराणां शता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमम परेश्वर सद्यो हृद्य वरुद्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। व्यासदेव ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में किसी भी भगवान या किसी देवता का ध्यान नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया। वो प्रणाम कर रहे हैं सत्य को, वो किसी भी देवता का नाम नहीं लिए, किसी भी भगवान का नाम नहीं लिए,
वो अपने मंगला चरण में सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, कह रहे हैं हमारी धी जो बुद्धि है वो सत्य की शरणागति में है, सत्य को प्रणाम करती है, सत्य को नमन करती है। जन्माद्यस्य यतोम व्यादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट, जो परम सत्य है और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन और संहरण के कारण है। जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सारे जगत से अवगत रहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, सत्य बनकर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है और वो परम स्वतंत्र है, वो परम स्वतंत्र है। अभिज्ञ स्वराट, जिससे सब जीवों की स्थिति के बारे में पता रहता है। तेनी ब्रह्म हृदय यादि कवये, जो आदि पुरुष ब्रह्मा को सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान प्रदान किए, ब्रह्मा को ज्ञान देने वाले स्वयं सत्य हैं, जो स्वराट हैं, ऐसे भगवान के चरणों में नमन कर रहे हैं। तेजो वायु मृदाम यथा विनिमयो, जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थाई रूप से प्रकट होते हैं, वो भगवान हैं जिनकी लीलाओं को देख के स्वयं देवता भी मोहित हो जाते हैं, देवता भी मोहित हो जाते हैं। सर्वो मृषाम, धामना स्वेन सदा निरस्त कुंतम सत्यम परम धीमहि, बोले जो इस संसार के अंधकार को नष्ट करने वाला है वो सत्य के चरणों में व्यास देव प्रणाम कर रहे हैं। यहां सत्य को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन सत्य में निवास कौन करता है? सत्य किसको बताया गया? सत्य प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमात्र प्रतिष्ठितम् सत्यात् सत्यो हि गोविंदस्तस्मात् सत्यो हि नामः। बोले जिस सत्य को व्यासदेव प्रणाम कर रहे हैं उस सत्य में स्वयं भगवान प्रतिष्ठित हैं। सत्य प्रतिष्ठितः कृष्णः, सत्य में भगवान कृष्ण प्रतिष्ठित हैं। सत्य प्रतिष्ठिता कृष्ण सत्य मात्र प्रतिष्ठितम, और इस संसार में सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, सत्य मात्र प्रतिष्ठितम। सत्यात् सत्यो ही गोविंदस, जो सत्य है जिसको सत्य बताया गया वो गोविंद है हमारा। जिसका सत्य नाम है वही एक सत्य है, बाकी सब का सत्य है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी भी सुध ना रही एक रहो नंदलाल। इस संसार में केवल एक भगवान ही है, वही सत्य है, वही अपने आप को विस्तार करता है और वही अपने आप को संकीर्ण कर लेता है। यही सृष्टि का रहस्य है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों और गायों को चुरा के ब्रह्मलोक में लेके चले गए थे, उस समय
भगवान अपने आप को ही गाय और बछड़ा बना के चरते रहे और चराते रहे। ब्रह्मा को महसूस भी नहीं हुआ, ब्रह्मा को महसूस भी नहीं हुआ, ना तो किसी ग्वाल बाल को महसूस हुआ कि हमारा बच्चा नहीं है, हमारी गाय नहीं है, हमारा बछड़ा नहीं है। भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता, गई हुई चीज भी वापस आ जाती है। जब भगवान कारागृह में देवकी के गर्भ में आए तो ब्रह्मा आदि देवता आके भगवान की स्तुति कर रहे थे, वहां भी ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान को सत्य ही बोले, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नेतिम च सत्ये सत्यस्य सत्य मात्र सत्य नित्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। वहां भी भगवान को सत्य ही बोला गया, इसलिए सत्य तो केवल एक राधा श्याम सुंदर है, हमारे गोपाल है, बाकी सब असत्य है। धर्म प्रोज्जित कैत्र वोत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, यह भागवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया बहिष्कृत करता है, पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। यदि सत्य के बारे में अगर कोई ग्रंथ बोल रहा है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। यदि सत्य को जानना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन पाठन श्रवण करना पड़ेगा, करना होगा। धर्म प्रोज्जित कैतवत परमो निर्मत सराणाम सताम, वो व्यक्ति को निर्मत्सर बनाता है, वो है भागवत धर्म। इस संसार में दो प्रकार के मच्छर होते हैं, दो प्रकार के मच्छर होते हैं। एक तो मच्छर होता है जो कि आपके शरीर पे बैठ के और थोड़ा सा ब्लड लेके चला जाता है, उसका काम होता है, वो चला जाता है। वो मच्छर तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक मत्सर होता है, वो जो मत्सर होता है वो व्यक्ति के अंदर घुस के खाता है, मगर वो अंदर घुस के खाता है, वो अंदर में आपको निचोड़ता रहेगा, निचोड़ता रहेगा, वो आपको जीने नहीं देगा। इसलिए ये जो भागवत धर्म है ये व्यक्ति को निर्मत्सर बना देता है, उसके अंदर से मत्सरता को निकाल कर फेंक देता है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु तिवत शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को शुद्ध हृदय वाले भक्त ही समझ पाते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ये सबके बस की नहीं है, ये भजन करते करते जिनका हृदय एकदम शुद्ध हो गया, एकदम पवित्र हो गया, वही संत महात्मा, वही वैष्णव जन इसको समझ पाते हैं, वही संत महात्मा इसको समझ पाते हैं। जो सत्य, जो सनातन धर्म, जो भागवत धर्म तीनों तापों का समूल नष्ट कर देता है, तीनों तापों को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता को महामुनि व्यासदेव ने रचना की। महामुनि कृते किं वा परे विस्फुरन् सद्यो हृद्य वरुद्ध तेत कृत भी सुश्रु सुविस्तक्षणा, बोले ये जो व्यास महामुनि व्यासदेव ने रचना की श्रीमद् भागवत महापुराण की, ऐसी रचना की महाराज कि इसको जो व्यक्ति श्रवण करता है तत्क्षणात उसके हृदय में हमारे ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं, तत्क्षणात उसके हृदय में ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि भगवान आपके
हृदय में जाएंगे किस रास्ते से जाएंगे? वो आंख मुंह से कान से, ना तो वो मुख से जाते हैं ना तो कान से जाते हैं, और ना तो आपका शरीर फाड़ के घुस जाएंगे, वो प्रवेश करते हैं तो आपके कर्णों से, आपके कानों से प्रवेश करते हैं। ये जो शब्द रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, महात्मा में बताया गया कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं वासुदेव ही आके शब्द रूप में विराजमान हो गए, और वही वासुदेव शब्द रूप में जब हमारे कानों में प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट करण रंध्रेण स्वानम भाव स्वरूपम धुनोति समनम कृष्ण सलिलस्य यथासुर। जब वो वासुदेव कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो महाराज हमारे हृदय को एकदम पवित्र कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, हृदय को एकदम निर्मत्सर बना देते हैं, एकदम निर्मत्सर बना देते हैं। यदि भगवान को हृदय में विराजमान करना है तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, भगवान के लीलाओं का श्रवण, भगवान के नामों का संकीर्तन करना होगा, तभी भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, तभी हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसके शोक मोह नष्ट हो जाते हैं, महाराज ये व्यक्ति के शोक मोह को भी नष्ट करता है, शोक मोह को भी नष्ट करता है। क्योंकि सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछे थे कि महाराज संत महात्मा वैष्णव जन भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए और मोह को लोभ को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं? महाराज संत महात्मा मोह और लोभ को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है, और कोई साधन नहीं बताया गया, और कोई साधन नहीं बताया गया। निगम कल्प तरल गलितम फलम सुख मुखाद्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवु रसिका भूमि भाव का। ये महाराज ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण जो हमारे वासुदेव की वांगमयी विक्रम है, वो एक वृक्ष है महाराज, वेद रूपी वृक्ष है महाराज, वेद रूपी वृक्ष है। ये वेद रूपी वृक्ष जो है इसमें जो फल लगा है महाराज, उस फल में कुछ भी फेंकने लायक चीज नहीं है, ना तो उस फल में गुठली है और ना तो उस फल में चमड़ी है महाराज। गर्मी के मौसम में जब आम आते हैं महाराज, वो इतने रसीले होते हैं महाराज कि यदि पक जाए और उसके चमड़े को निकाल के फेंक दीजिए, हाथ लगाइए तो गल जाता है, उसमें भी आपको चमड़ा और गुठली फेंकने लायक तक तो होता है, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है महाराज, उसमें तो गुठली और चमड़ा भी नहीं है, इसमें से कुछ भी निकाल के फेंकने वाली चीज नहीं है। और ऐसे पके हुए फल में यदि सुख रूपी पक्षी जो हमारे सुखदेव गोस्वामी का यदि मुख लग जाए महाराज, तो वो अमृत से भी बढ़कर हो जाता है, अमृत से भी बढ़कर हो जाता है। सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम, बोले ये सुख देव गोस्वामी के मुख से मिश्रित ये अमृत है, अमृत। और ये जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से अमृत निस्त्रित हुआ, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवु रसिका भूमि भाव का,
भुलैये रसिक और जो भावुक लोग होते हैं महाराज पीते रहते हैं, बार बार पीते हैं, मुहुरवो रसिका भूई भावुका। बोले महाराज तब तक पीते हैं जब तक इस शरीर से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक मुक्त नहीं हो जाते। क्योंकि मल मैं पहले ही कहा था, यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को एक बार श्रद्धा से सुनता है तो उसके जीवन के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो बार बार इस कथा का श्रवण करता है तो महाराज वही जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत जो अमृत है उसके रस की अनुभूति होने लगती है। जब तक हमारे जीवन में पाप है तब तक हमें भागवत की कथा से रस नहीं मिल सकता, रस नहीं मिल सकता। हमारी इच्छा नहीं होती श्रवण करने की, क्यों? क्योंकि पाप हमें रोकता है। सतमार्ग पे जाने के लिए सदैव ये बाधक होते हैं, सदैव ये जो हमारे बुरे कर्म हैं ये सदैव बाधक बनते हैं, उस रास्ते पे जाने नहीं देते। देवत भागवतम रस माले मुहुरवो रसिका, जो रसिक हैं जो भावुक हैं वो ऐसी सभाओं में आके बैठ के और रस का पान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे और उसमें व्यास पराशर सब बड़ी बड़ी ऋषि बैठ के कथा का श्रवण कर रहे थे, कथा का श्रवण कर रहे थे, क्योंकि स्वयं व्यास देव ने इस भागवत को लिखा, लेकिन फिर भी उस सभा में आके बैठ के कथा के रस को पान कर रहे थे, कथा के रस को पान कर रहे थे। ये वो कथा है, वो कथा है कि जो भगवान के नाम से भगवान के चरणों से प्रीति करवा देता है। प्रीतिर नयावत मई वासुदेवे नमुच्चते देह योगी नसावत, और यही कथा भगवान के चरणों से रति करवा देता है, और जैसे ही भगवान से प्रीति होती है वैसे ही हम इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार मां के गर्भ में आना जन्म लेना मरना ये जो बंधन का चक्र है महाराज, ये मरना जीना ये जो चक्र में बध के हम लोग घूम रहे हैं महाराज, इससे हम मुक्त हो जाते हैं और स्वयं भगवान के हम गोलोक वृंदावन धाम में गमन करते हैं। वहां जाके हम भगवान के चरणों की सेवा में लग जाते हैं। यदि भगवान के चरणों की सेवा यदि कोई दे सकता है, यदि कोई दान कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, उस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। व्यासदेव ने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करने के बाद हम लोग भी अपने मन को वही नैमिषारण्य क्षेत्र में ले चलते हैं जहां पे सूत गोस्वामी 88,000 सौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण कराने के लिए उपस्थित हुए। सौनक ऋषि जो कि वयोवृद्ध हैं, कथा अमृत रसा स्वाद कुशल है, जो कि भगवान की कथा को श्रवण करने में कुशल है, कुशल है, वो स्वयं हाथ जोड़ के व्यासदेव के चरणों में प्रणाम करके जिज्ञासा कर रहे हैं। महाराज कभी संत महात्मा से आप मिलने जाइए, कभी आप उनसे पूछिए तो महाराज आपकी जो चेतना है वो कुतर्की नहीं होनी चाहिए। कभी संत महात्मा से मिलने जाइए, कभी कथा पंडाल में जाइए, कभी सत्संग करने के लिए जाइए तो महाराज कहा जाता है कि बुद्धि और अपना जूता गेट पर ही उतार के प्रवेश करना चाहिए। यदि बुद्धि आप और जूता यदि आप गेट पे उतार के नहीं अगर प्रवेश किए महाराज तो आप उस कथा के रस का पान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं,
एक श्रोता होते हैं। कौन श्रोता? रसिक और भावुक जो होते हैं वो होते हैं श्रोता। वो आते हैं बस भगवान के चरणों में ध्यान लगा के, भगवान की लीलाओं में डूब के और कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन एक होते हैं सरौता। महाराज श्रोता तो ठीक होते लेकिन सरौता ठीक नहीं होते हैं। वो प्रत्येक बात को काटने का प्रयास करते हैं। वो बैठ के केवल उनकी बुद्धि इतने में ही रहती है महाराज कि गलती कहां निकल गया। वो केवल गलतियों को पकड़ने में लगे रहते हैं, गलतियों को पकड़ने में लगे रहते हैं। वो भी कथा के रस का रसास्वादन नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। एक हो गए श्रोता और दूसरे हो गए सरोता और तीसरे हो गए सोता। महाराज खा पी के आए और पंडाल में ये जो लगा है इसका रॉड, रॉड में आराम से टेक लगाए और आराम से सो गए कथा सुनते सुनते। वो होते हैं सोता। ये सुनने नहीं आते महाराज, ये सोने आते हैं। क्योंकि कथा सुनते समय नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है, नींद बहुत अच्छी आती है। एक बार महाराज एक जगह कथा चल रही थी और दो व्यक्ति घर से, और गर्मी की कथा थी तो गर्मी के मौसम में तो कूलर पंखा सारी व्यवस्था होती है। तो वैसे भी दोपहर में घर में लाइट कट जाती है तो लोग घर से भागने लगते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं, चलो कथा चल रही है, कथा में तो अच्छा कूलर लगा है, फैन लगा है, चलो आराम से वहीं बैठेंगे हवा में। तो वो आए महाराज और ऐसे बांस का बल्ली लगा था, उसी बल्ली में टेक लगा के सो गए आराम से। कथा चल रही थी तो कथा में कोई प्रसंग था और जो कथा बोलने वाले व्यास जी थे तो वो बोल रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। तब तक उनकी नींद खुल गई और अपने पड़ोसी से पूछे कि महाराज कहां कुत्ता बीमार है। तो ये जो सोता होते हैं महाराज वो ऐसे ही श्रवण करते हैं, वो आधी बातों को ही पकड़ पाते हैं और उसी में गलती कर जाते हैं, उसी में गलती कर जाते हैं। लेकिन जो सौनक जी थे वो ऐसे श्रोता नहीं थे। कथा मृत रसा स्वाद कुशल, वो कथा का रस लेने में बड़े कुशल थे, बहुत कुशल थे। तो कभी भी कुतर्क की बुद्धि लेके संत महात्माओं से नहीं मिलना चाहिए। स्वयं सौनक जी चरणों में प्रणाम करके तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्तदर्शयन्। कह रहे हैं कि तत्विद्धि प्रणिपातेन, पात नहीं, पात मतलब होता है झुकना। कह रहे हैं प्रणिपात, अपने सर को उनके चरणों में डाल दीजिए, प्रणिपात। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और अपनी जिज्ञासा को उनके सामने रखिए। अपनी जिज्ञासा को रखिए न कि अपने तर्क को रखिए। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, आपके मन में जो संशय चल रहा है उस संशय को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहिए कि महाराज मैं बहुत संशय में हूं, आप मेरे संशय का समाधान करिए। उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी है, वो तत्व को जानता है, वो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है यदि आप विनम्र होके उसके साथ निवेदन करेंगे तो। निवेदन करेंगे तो महाराज भागवत में 6 प्रश्न पूछे गए और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद में प्रकट हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण।
पहला प्रश्न पूछा गया, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि पहला प्रश्न पूछा गया शास्त्र पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में, कलयुग के जीवों के परम कल्याण का साधन क्या है। एक दिन हम पहले बता रहे थे कि हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में क्या साधन है, हमें उस साधन को जानना चाहिए। कह रहे हैं कलयुग के जीवों के लिए कोई सहज साधन है, आप तो जानते हैं शास्त्रों का ज्ञान है, पुराणों को पढ़ा है, प्लस गुरुजनों के वचनों को भी सुना है आपने। ये सोनक आदि ऋषि निवेदन कर रहे हैं सूत गोस्वामी के चरणों में। तो बोले कलयुग के जीवों के लिए सहज साधन बताइए। दूसरा प्रश्न, अनेकों शास्त्र हैं, अनेक शास्त्रम बहुदे तव्यम स्वल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत्सार भूतम समुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्ब मिश्रम। बोले अनेक शास्त्र हैं, अनेक शास्त्र हैं और अनेक प्रकार की विधियां बताई गई हैं, अनेक प्रकार के मंत्र शास्त्रों में भरे पड़े हैं, अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, बहुत सारे मत भी हैं, लेकिन इतने सारे मतों के बीच में स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। बोले हमारी जो आयु है वो बहुत कम है, 100 साल, और अब तो 100 साल भी नहीं जी रहे हैं, 60-70 में सब कुछ हो जाता है। स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, और बोले इसी थोड़े से आयु में ढेर सारे विघ्न हैं, ढेर सारे विघ्न हैं। यत्सार भूतम समुपासितव्यम हंसो यथा क्षीर विमामो मिश्रम। बोले प्रभु जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण से दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है, प्रभु उसी तरीके से आप एक निश्चित साधन करके हमें बता दीजिए जिससे हम भगवान के चरणों की प्राप्ति कर पाए। बोले हमारे वासुदेव क्या करने के लिए अवतीर्ण हुए यदुवंशियों के घर में। तीसरा प्रश्न, यदुवंशियों के घर में हमारे नंदलाल क्या करने के लिए प्रकट हुए थे। और पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न, कि भगवान का अवतार तो हुआ लेकिन बहुत सारी लीलाएं भी किए हैं, उन लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न, अवतार कथाओं का वर्णन योग माया से स्वच्छंद होकर लीला किए हैं, उन लीलाओं को भी हमें श्रवण करेंगे। और छठवां प्रश्न, धर्मः तं शरणं गतः, स्वाम काष्ठां धुनोपेति धर्मः तं शरणं गतः। जब भगवान इस धरा धाम से अपनी लीला को संवरण करके अपने धाम को गए तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न निवेदन किए व्यास देव, जो कि इस संहिता को लिखे हैं, उस कथा को श्रवण कराने के लिए उपस्थित हुए हैं सूत गोस्वामी, और सूत गोस्वामी के चरणों में सौनक आदि ऋषि ये 6 प्रश्न निवेदन किए। तो सबसे पहले सूत गोस्वामी भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनेंगे, 24 अवतारों की कथा सुनेंगे, कि भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार, बराह, नारद, नर नारायण, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ रूप, ऋषभ देव, आदि 24 भगवान के अवतार हुए। 24 अवतारों की कथा सुनाएं। ये भगवान आए क्यों, इतना अवतार लेने की आवश्यकता क्या थी।
रावण कंस शिशुपाल दंतवक्र क्या इनको मारने के लिए भगवान आए? क्या करने के लिए भगवान आए? बोले इनको मारने के लिए नहीं आए। मुहूर्ते नापि संघर्तुं शक्तो यद्यपि दानवान् मद भक्तां विनोदार्थं करोमि विविधा क्रिया। बोले ये कंस और रावण को मारने के लिए नहीं आए थे। वो तो भगवान बैकुंठ में बैठ के ही सोच ले कि कंस मर जाए, रावण मर जाए, शिशुपाल मर जाए, अमुक मर जाए, समुक मर जाए, वो तो सोच लेने मात्र से वो मर जाएगा। एक मुहूर्त भी नहीं लगेगा। मुहूर्ते नापि संघर्तुं, एक मुहूर्त में सारे संसार का नाश कर सकते हैं। शक्तो यद्यपि दानवान्, इतनी शक्ति है उनके अंदर, लेकिन क्या करने के लिए आते हैं? मद भक्तां विनोदार्थम। बोले भगवान कि हम अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस संसार में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। जो संत महात्मा अपना घर छोड़ के जंगल में जाके भजन कर रहे हैं, जो संसार से विरक्त हो गए, वो क्या लेके जिएंगे? वो विरक्त संत महात्मा उसी कथाओं को, उन्हीं लीलाओं को पढ़ पढ़ के उन्हीं का गान करते हैं और उन्हीं में वो मदमस्त होके डूबे रहते हैं। अपने भक्तों के लिए ही भगवान लीलाओं को करते हैं। क्योंकि जब तक लीलाओं को करेंगे नहीं, तब तक भक्त अपने जीवन का यापन कैसे करेगा? उसे भगवान से प्रेम कैसे होगा? क्योंकि प्रेम भी कई तरीके का होता है। प्रेम होता तो बहुत धीरे से है, लेकिन धीरे धीरे करके जब उसके बारे में जानकारी हमारी बढ़ने लगती है तो प्रेम बहुत घनिष्ठ हो जाता है। शुरू में तो बस हम नाम जाने के प्रेम कर लेते हैं, नाम जाने के प्रेम कर लेते हैं। नाम और सूरत को देख के प्रेम हुआ, और बाद में जब उसके गुणों को जाने तो हमारा प्रेम और घनिष्ठ होता गया कि ऐसा गुण है भगवान का, ऐसा गुण है, इतने गुणवान है मैं जिससे प्रेम करता हूं, इतना गुण उनके अंदर भरा हुआ है। गुण को जानकर ही तो कोई भक्त भगवान से प्रेम करता है, और जब भगवान से प्रेम हो गया तो फिर तो भाई भगवान के साथ भागना ही पड़ेगा। फिर तब भगवान के साथ भागना ही पड़ेगा, और तब तो घर छोड़ के और भगवान के साथ ही जाना पड़ेगा। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी
नाम की ऐसी बुराई मैंने तेरे नाम की ऐसी बुराई मैंने तेरे नाम की ऐसी बुराई मैंने तेरे नाम की 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 ऐसी बुराई मैंने तेरे नाम की ऐसी बुराई मैंने तेरे नाम की मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे भरोसे मत छोड़ना हरी जी मोरी लागी लगन 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 हरी जी मोरी
मोरी प्रभु जी मोरी लागी भजन Lord.